झांसी रेलवे स्टेशन से 16 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये ओरछा का प्रवेश द्वार आ गया और ओरछा का प्रवेश द्वार पुरानी शैली में बना है, भव्य है और ये ओरछा में हम प्रवेश कर गए हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पर वो गेट आया अब जिसके अंदर से होकर के हमें होटल रिवर साइड जाना है, बुंदेलखंड रिवर साइड होटल जो कि बेतवा नदी के किनारे बना है वहाँ हमें पहुँचना है और ये रास्ता वहीं जा रहा है। रास्ता जो है कच्चा है और आसपास जंगल है। तो पुराने ज़माने में यानी राजा राजघराने के ज़माने में राज परिवार के सदस्य यही बेतवा नदी के किनारे जंगलों में शिकार करने के लिए आते थे और ये रास्ता करीब जो है 1 किलोमीटर तक इसी तरह है। उसके बाद जब आप बढ़ेंगे तो पेड़ और ज़्यादा नज़र आ जाएंगे। तो रास्ते के दोनों तरफ खूब हरियाली है और आपको एहसास होगा कि आप जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। और कुछ ही देर में हमारा होटल आने वाला है। एक गेट और आएगा जो बताया गया था हमें कि वो सफ़ेद रंग का गेट है, जब उसको पार करेंगे तो होटल करीब करीब नज़र आने लगेगा। तो अभी उस गेट का हमें इंतज़ार है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे उसी तरफ जहां हमारा पड़ाव है। करीब 20 हेक्टेयर में ये होटल का परिसर है और ये देखिए आपको वो गेट नज़र आ गया जो दूसरा गेट है होटल का। इस गेट के बाद जो है कुछ कुछ जो है नज़र आ जाता है, कुछ भवन नज़र आ जाते हैं, इसके अलावा कुछ गाड़ियां खड़ी नज़र आने लगती हैं और हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब होटल एकदम आ गया है, लेकिन अभी ये सच नहीं है। अभी होटल थोड़ा और दूरी पर है। तो इस रास्ते से और आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है जा रहे हैं। उम्मीद है कि अब कुछ देर में होटल आ जाएगा। तो जो होटल है वो ऐतिहासिक बताया जाता है और इसकी शैली जो है पुरानी है, हेरिटेज लुक में होटल है जैसा कि लोगों ने बताया था हमें। तो उसको हम देखेंगे वहाँ पहुँच करके। अब ये देखिए पहला लुक, बुंदेलखंड होटल रिवर साइड होटल है ये और इसका शाही लुक देखिए, इसे शाही रिजॉर्ट कहते हैं लोग। तो यहाँ जो गेट पर है वो साफा पहने हुए और उन्होंने पुष्प गुच्छ दे करके हम लोगों का सत्कार किया। इसके बाद अंदर आ गए हम रिसेप्शन एरिया में, होटल का रिसेप्शन एरिया है और यहाँ भी हमारा अभिनंदन हुआ। यहाँ मानचित्र आपको नज़र आ जाएगा। इस मानचित्र में जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं, अलग अलग ज़िले चाहे वो सागर हो, सतना हो, उन सब का जिक्र है। तो जिसको यहाँ से जहाँ जाना हो, खजुराहो जाना हो या कहीं भी जाना हो तो वहाँ जा सकता है। और यहाँ जो स्विच लगी है लाइट की वो सब भी पुराने ज़माने की है, पूरी परंपरा का ध्यान रखा गया है। ये उद्यान नज़र आया हमें रिसेप्शन से ही और ये बहुत आकर्षक लगा। इसके बाद जो है देखिए ये कॉरिडोर है होटल का और कॉरिडोर बहुत ही शानदार है और भव्य है। और यहाँ जो लोग भी आते हैं यहाँ इसकी यादें सहजते हैं, यहाँ तस्वीरें ज़रूर खिंचवाते हैं। तो पूरा का पूरा जो है लॉबी एरिया जो है वो इसी तरह से सुंदर नज़र आ जाता है। और इस होटल की आप कह सकते हैं कि ये जो एरिया है ये जान है और यहाँ लोग खूब समय बिताते हैं। झांसी रेलवे स्टेशन से हम लोग होटल बुंदेलखंड रिवर साइड पहुँच चुके हैं। ये होटल बेहद खास है, तो यहाँ जो लुक दिया गया है वो पूरी तरह से एकदम देसी है और हेरिटेज वाला लुक है। आज के करीब 90 के दशक, आप मान लीजिए 90 के दशक के आसपास इसी तरह से जो स्विच होती थी लाइट की, ये इस तरह के स्विच हुआ करती थी। अब देखिए गोल वाली स्विच है, कोई बदलाव नहीं, यानी जो यहाँ आते हैं उनको जो है 90 का दशक या 90 के पहले का, चूंकि 35 साल पुराना ये होटल है तो उसी हिसाब से लुक दिया गया। पीछे एक इसके नदी बहती है बेतवा, बेड इस तरह से बेड है, बेड का साइज काफी बड़ा है, साथ में एक और सिंगल बेड लगा हुआ है इसके। इसके अलावा जब बैठने का मन हो तो यहाँ हम लोग बैठ सकते हैं। इस होटल के रूम में एक छोटा सा डाइनिंग टेबल है जहाँ 6 कुर्सियाँ लगी है और खास बात ये देखिए ये वो स्थान है जहाँ सर्दियों में अगर कोई आता है पर्यटक तो नीचे जो है कोयला या लकड़ी को जला दिया जाए, खासतौर से कोयला जला दिया जाए, तो यहाँ हाथ सेकने के लिए जो है ये इंतजाम किया गया है। ये इंतजाम पुराने जमाने में होता था, तो पूरी तरह से पुराने जमाने का लुक दिया गया इस होटल में। इसके अलावा एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है यहाँ और साथ ही ये एरिया है जहाँ एक जिस तरह से बना हुआ है। इसके अलावा इसके छोटी सी अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का वॉशरूम कैसा है, बाथरूम कैसा है। तो ये काफ़ी बड़ा है, जो आमतौर पर होटलों में काफ़ी छोटा होता है लेकिन ये काफ़ी बड़ा है।
और पूरा का पूरा ये रूम जो है पुराने लुक में बना हुआ है, सब कुछ पुराने जैसा है, यानी नए जमाने को पुराने जमाने के साथ जोड़ने की पूरी कोशिश की गई है इस बुंदेलखंड होटल में। यहाँ से ओरछा मंदिर जाए, जो ओरछा का राजा राम मंदिर, इसी ये अलमारी जो है तो एकदम पुराने जमाने की लकड़ी की बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है इस अलमारी पर, और ये शानदार फूल बनाए गए, नक्काशी शानदार है इसकी जो है। इसके अलावा इस रूम की एक खासियत और है कि सामने से एंट्री जब हम करते हैं तो यहाँ जहाँ रूम की दीवार है खत्म होता रूम, वहाँ एक बालकनी दी गई है, तो ये बालकनी आप देखिए, और यहाँ से जो है ग्रीनरी साफ नजर आ जाती है आपको, और पूरा फिर यहाँ निकल आएंगे बालकनी में, और बालकनी से जो है पूरी दिखती, और यहाँ एक मैदान भी दिख जाता है, तो पूरा एक तरह से जंगल के अंदर एक पुरानी जो है धरोहर, और पुरानी जिस तरह से बिल्डिंग बनती थी, पुराने आवास बनते थे, उसी तरह से इस होटल को बनाया गया है, और यही इसकी खासियत, इसी वजह से देश भर से लोग इस होटल में आते हैं। होटल का रूम टूर कराने के बाद अब मेरे मन में आया क्यों ना आपको जो है लॉबी से होते हुए वो इलाका दिखाया जाए जो फेमस है और जिसकी वजह से इस होटल की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कॉरिडोर पार करते हुए अब हम पिछले साइड आ गए हैं जिसे रिवर साइड कहा जाता है, यानी नदी का किनारा है, और आपको देखिए होटल से ही पिछले हिस्से से बेतवा नदी दिख जाती है। चूँकि बारिश का सीजन है तो बेतवा नदी में भी पानी खूब है, और यहाँ बैठने का स्थान बनाया गया है, यहाँ तमाम बेंच लगाई गई है जहाँ बैठ सकते हैं लोग और बैठ के पूरा व्यू देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पूरा व्यू किस तरह से नज़र आ जाता है, और भी आपको इक्का दुक्का जो है पर्यटक नज़र आ जाएंगे। और ये बेतवा नदी के बीच में ये जगह जगह आपको जो पत्थर दिख रहे हैं, तो यहाँ भी लोग जाके बैठ जाते हैं और कुछ पल फुर्सत के आराम करते हैं यहाँ। और इसके बाद हम भी पहुँचे, अब देखिए बेतवा नदी के करीब हम भी पहुँच चुके हैं पत्थरों पर, और इस पत्थर पर इसी तरह से लोग बैठते हैं, और यहाँ से नज़ारा देखिए बेतवा नदी का, कितना शानदार नज़ारा।